और कितना तेजी से और ज्यादा रोजगार देने का आज सबको काम करने में लगे हुए। हमारा रात दिन यही काम है, तो राज्य के हित में अपना काम कर रहे हैं और देश के हित में बाकी सब एक इसके अलावे और सर 10 तारीख को अमित शाह आ रहे हैं बिहार में बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। काफी दिनों से मीडिया से दूरी बनाने के बाद और अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत बेहतर है, वो आज भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर हाईकोर्ट के पास पहुंचे और वहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कह दिया कि वो प्रधानमंत्री बनने की रेस में नहीं है, वो इस रेस से दूर ही हैं। साथ ही तीन राज्यों में हुए भाजपा की जीत को लेकर भी पत्रकारों ने नीतीश कुमार से सवाल किया। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते नजर आए कि चुनाव में तो हार जीत लगी रहती है, साथ ही गठबंधन की मीटिंग में शामिल नहीं होने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस बैठक में शामिल वो ना हो, वो जरूर बैठक में शामिल होने के लिए जाएंगे और जब सब ठीक हो जाएगा साथ में बैठ के आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी, आगे को लेकर भी बातें होंगी इस बैठक में। आपको बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि वो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी से दूर ही हैं। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। चार आप चिंता मत करिए, हम राज्य के हित में अपना काम में लगे रहते हैं और कितना ज्यादा सब काम हम लोग किए और कितना तेजी से और ज्यादा रोजगार देने का आज सबको काम करने में लगे हुए। हमारा रात दिन यही काम है, तो राज्य के हित में अपना काम कर रहा हूँ और देश के हित में बाकी सब एक इसके अलावे और सब इंडिया गठबंधन में सर 10 तारीख को अमित शाह आ रहे हैं बिहार में बैठक। बिल्कुल सही बात है, वो तो हम पहले ही कह चुके हैं, घोषित कर दिए हाउस में भी और बाहर भी। तो जो हम लोगों ने आप देखिए कि जाति आधारित गन्ना जो हम लोगों ने कराया, कितना बढ़िया रिपोर्ट आया, और खाली जाति आधारित गन्ना नहीं कराया, कहा कि हर परिवार की आर्थिक स्थिति का, चाहे अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सबका, आप देखे ना जी अपर कास्ट में भी कितनी गरीबी है, हर जात में कितनी गरीबी है। तो उन लोगों के उत्थान के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया बोलिए, 1 करोड़ से थोड़ा सा कम परिवार का, और उन सब लोगों के लिए हमने कह दिया है कि वो लोग उस परिवार के हर परिवार में एक एक को 2-2 लाख रुपया का हम लोग सहायता देंगे, भाई काम करे। तो ये सब चीज तो हम लोग करवा रहे हैं, तो एक एक काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ कह रहे हैं कि अगर इन लोग कराते देश में जाति आधारित जनगणना तो कितना सबको फायदा होता, और खाली जाति आधारित गणना नहीं, आर्थिक स्थिति का भी सबको जानकारी देना चाहिए, पूरा का पूरा सर्वे करना चाहिए। जब अगला बार हो तो हम तो यही चाहेंगे कि हो, जैसे हम लोग किए दोनों मिलकर के तो हो गया, और उसके लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं तो हम लोग यही ना कहते हैं कि बिहार का जो गरीबी है सोच लीजिए, तो इसलिए विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल जाए तो बिहार कितना आगे बढ़ा, बोलिए ना बिहार कितना पौराणिक जगह है। आप सब जो है बिहार के याद करिए बचपन में, और नीचे का बाप याद करिए, ये देश में भी और देश के बाहर भी जो कुछ भी था यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था विकास। अब आप सब कुछ गड़बड़ा गया, जो भी यहाँ का एक बार फिर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार बहुत आगे बढ़ा रहेगा और सबके हित में काम करेगा। 10 तारीख आप देख रहे हैं, एक बात हम बता देते हैं, बिहार का लोग कितना ज्यादा दूसरी जगह पर जाकर के सेवा करता है, काम करता है, और देखे एक भी कोई गड़बड़ करता है बिहार का, तो बिहार का जो कुछ भी आदमी है बहुत अच्छा स्वभाव है। तो हम तो सबको ना चाहते हैं, अब पत्रकार आप लोग हैं सबका भी बड़ा अच्छा स्वभाव है, तब ऊपर दिल्ली वाला आप लोग पर कब्जा किए, छोड़िए ना जाने। सर 5 राज्यों का चुनाव परिणाम आया सर, 5 राज्यों के सीएम बोल रहे हैं, सीएम बोल रहे हैं लाइव काटिए। हर राज्य को अधिकार है, जब भी चुनाव होता है तो अलग अलग देखे नहीं है, कांग्रेस वाला भी कई जगह जीता था,
और इस बार मान लीजिए इसके पहले वाला तो ही जीता हुआ वही थे, और इसके पहले भी जीत गए थे, अब फिर वो लोग जीत गए और अच्छा वोट आया है, मैंने कांग्रेस को भी कम वोट नहीं अच्छा ही वोट आया है और वो जीत गए। जो भी फैसला करना है उसको अधिकार है और सबको बधाई है। एक जगह तो फिर जीते हैं कांग्रेस वाले, तेलंगाना में सोचिए, और बहुत पहले उनको था, बाद में जब हो गए तब फिर जीत गए। तो इसलिए सब चीजों पर कोई खास चर्चा नहीं है, अरे सब तो होते रहता है, इसके पहले तक कितना बार कांग्रेस भी जीती है। अब वो बात है कि हम तो यही चाहते हैं कि तेजी से जब एक जल्दी से जल्दी हो जाए, कभी तय किए थे तो बारह बजे पे दूसरा दिन तय करेंगे, जैसे ही होगा। अब आप आजकल न्यूज छप रहा था कि हम नहीं जा रहे, अरे फालतू बात है, अरे बीच में हमको बुखार ना था जी, तो उसके चलते उसी बीच उनका खबर आया था, हम कह दे कि नहीं और लोग जाएंगे, इनके बारे में कहें ये भी रहेंगे और सब लोग रहेंगे इधर से, बाद में जब आगे होगा तो हम नहीं जाएंगे, कहीं सब संभव है जी। हम तो चाहते ही हैं कि तेजी से सब लोग करें काम और अलग अलग राज्यों का हम आपको बता देते हैं। अब एक ही चीज हम आप लोगों को बोल देते हैं कि अगला मीटिंग होगा तो उसमें हम फिर बता देंगे कि बहुत तेजी से आपस में बातचीत करके आगे का तय कर लीजिए, देर मत करिए। अब देर न रहे जी, हम एक साल से कितना दिन से कोशिश कर रहे हैं, तब बाकी बीच में चुनाव होता तो सब पटिया अपने अपने लिए लगे लह जाता है। चाहते हैं कि जितने लोग एक साथ हैं हम मिल करके आगे भी अन्य राज्यों में लड़ना है, उसके लिए हम लोग फिर जरूर लोगों को कहेंगे। और एक बात और हम कह देते हैं, बिना मतलब के मेरे बारे में आता है कि हम चाहते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम शुरू से कहते हैं हम तो चाहते हैं राज्य के हित में, और जो अपना राज्य मेरे राज्य करे देश, और समझिए कि जो बदल रहे हैं ये लोग अभी जिनको पावर में है, पूरा का पूरा इतिहास सब कुछ बदल रहे हैं, तो हम तो चाहते सब एकजुट होकर और जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई उसको कोई भूले नहीं, नई पीढ़ी के लोगों को याद रखे, तो हम इसलिए चाहते हैं तेजी से काम हो, हम इसी में लगे, हमको अपना व्यक्तिगत कुछ, हम इतना जगह सेवा नहीं किए जी, आप बोलिए ना, हम लोग आंदोलन भी किए, बाद में किए, सब कुछ किए, हमारे साथी भी सब कुछ किए, तब आगे कुछ नहीं, हम तो चाहते हैं एकजुट होकर के तब लड़े, और बाकी हम किसी पर, इसलिए इन सब चीजों पर कोई रिएक्शन नहीं। आज कल हम देखते रहते हैं, न्यूज छपते रहता है कि भाई ये नहीं जा रहा था तो चार पार्टी का दे दिया, क्यों नहीं जा रहा, बड़ा फालतू बात है, अरे हमारा दूसरे कारण से नहीं था ना, तो ये कौन खास बात है, आप तो जानते हैं हल्का सा बुखार होता है, सौ भी नहीं था, उससे भी कम खांसी और सर्दी हो गया था, तो हम तो जान के पांच दिन घर पे पड़े। बोलो सबका सबकी इज्जत करते रहेंगे, और एक बार जब हम कोशिश कर रहे हैं अगर देश के हित में काम अगला हो जाए तब फिर आप लोग और बहुत आजादी के साथ बड़ा काम करते रहिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कहीं जाते थे हर समय कहते थे मिलना, तब कहते छोड़िए ना भाई, क्या मतलब है, झूठे काली काय के लिए करिएगा। तब बीच में जब पहले बोलते थे तो हमारा बदबा ठीक, अब बाद में वहां से कह देता अंड बंड, सब छोड़िए क्या दिक्कत है, अमित शाह और सब ठीक है ना, सब बस रहिए। अमित शाह तो 10 को आ रहे हैं, पहले एग्री कर दिए थे 10 की वजह से, फिर कर दिए तो रहे करेंगे सब लोग, रहे तो रहे, तो होता ही है, वो तो परंपरा है, तो उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन देश की मांग है कि आप नेतृत्व करें मोदी जी को हटाने के लिए, देश की मांग है कि आपका नेतृत्व हो, देश की मांग है कि आपका नेतृत्व, देश की मांग है, हमारी नहीं, हम ये सब नहीं चाहते हैं भाई,
अब कोई जो बोलना चाहता, हम चाहते हैं सबके हित, कांग्रेस के भी लोग मांग कर रहे हैं। हम एक के सवाल दोबारा इंडिया गठबंधन में रीजनल पार्टियों की भूमिका क्या होनी चाहिए सर? नहीं नहीं, खूब आपस में बातचीत करें, लेकिन हम लेकिन अभी आपको कुछ करना उचित नहीं होगा। जो मीटिंगवा होगा उसमें सारी बात करेंगे। हम मीटिंगवा के बाद सबको करेंगे। हम सबको कह रहे हैं कि बहुत अच्छे ढंग से तेजी से निर्णय लेंगे। हम उसी में लगेंगे। सर, कांग्रेस की महिला एमएलए नीतू सिंह ने कहा है आपके नेतृत्व में।